ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरे। जाकी छोत जगत कौ लागे, तापर तू ही तरे। नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू तेना डरे। परम पिता जग पिता मन धन धन सतगुरु रविदास महाराज के पावन पवित्र प्रवचन के नाल अज का शो लैके आप जी के समक्ष हाजिर हाँ। कांछी टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच, देशां विदेशां विच जिथे जिथे भी कांछी टीवी जा रहा है, सारे ही प्यारे प्यारे दर्शकगण, रिस्पैक्टेड व्यूअर्स, आप सब नूं मेरी वालों यानी मनोहर दुग्गल वालों जय गुरदेव जय भीम जी। सब तो पहला अज 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल 2023, और अज का जो दिन है बहुत ही महान दिन है अज का। और जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी अपने बाणी दे विच अपने समाज की अवस्था का वर्णन करते हैं, दर्द देख सब को हसे ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध करतल है सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किछ नहीं पाव खंडन राम, सगल जिया शरणागति प्रभु पूरन काम। जो तेरी शरणागता तिन्ना ही पार, ऊंच नीच तुमते तेरे आलज संसार। सो जो समाज की गरीबा की डाउन ट्रोडन जो लोगों की जो दशा सी, दर्दनाक सी, समाज की मुख धारा तो बाहर कढ़िया होया सी, एक कॉल आई है। लेकिन उस तो पहला मैं दस देवां कि 14 अप्रैल महान महान दिवस साढ़े लिए, कि अज जो अज आधुनिक युग दे युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी, जिन्हों का अज जन्मदिन है, जयंती है, और पूरे संसार नूं कांछी टीवी के पूरे ट्रस्टी साहबानों वालों अपने सारे ही सह प्रेजेंटर जिन्हें भी हैं सारे वालों पूरे संसार नूं असीं लख लख बधाई दे रहे हैं जी। जय भीम जी। हाँ जी, कॉल लै लैंदे पहला। हैलो जय गुरुदेव जी। हैलो 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 जी, जय गुरुदेव जी, कौन बोल रहे जी? जय गुरुदेव जी, जुगल जी, मैं हरबंस बोल रहा हूँ साउथवाल तो। हाँ जी हरबंस जी, थोड़ा स्वागत है जी। आज बहुत महान दिवस है जी, की कहना चाहते हो? इस महान दिवस से तुहानू जी, कांछी टीवी के कारकुनां नू जी, ते सारे कांछी टीवी सुनने वालों नू बहुत बहुत बधाई। ठीक है, थोनू भी जी बहुत बहुत। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नू श्रद्धांजलि उन्होंने जन्मदिन से, और तुसी बखूबी एक गीत भी गाया उन्होंने शाम च जी, बड़ा चंगा लगा। थैंक यू। एक मिनट में एक पल में बदल दी किस्मत जी, ये वो तुहाडे लफ्ज़ सीगे जिहड़े के बहुत ही ढुकमे सी, और वाकई इदां ही होया जी। लेकिन देखने वाली गल ये है कि जदों भी असीं डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाने हैं, असीं उन्हां दी लाइफ दे बारे कहने हैं या उन्हां दी लाइफ दे अचीवमेंट्स बारे ही वर्णन करते हैं जी, लेकिन असीं उन्हां दे मिशन बारे गल नहीं करते। जो उन्होंने लैगेसी सानूं दित्ती आ उहनूं अगे लै के जाण वाले गल नहीं करते। मैं नहीं कहिंदा कि उपराले नहीं हो रहे आ, और कई उपराले कामयाब भी होए आ, पर जिहो जिहे उपराले कामयाब होने जिदां डॉक्टर साहब चाहते सी उदा हज तक असीं उत्थे पहुंचे नहीं जी। डॉक्टर साहब ने जिहड़ी तब्दीली लियांदी आ उह विद्या दे थ्रू लियांदी आ जी, एजुकेशन थ्रू, और उन्होंने एक गल पछाण ली कि मैं अगर कोई अपनी कम्यूनिटी या गरीबों की मदद करना चाहता, उन्हें जिंदगी तब्दील करना चाहता, उन्होंने जिंदगी रेवोल्यूशन लिया के उन्होंने गांह बताना चाहता, तो मैं मैनू एजुकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, और आला एजुकेशन का सहारा लेना। क्यों? जे तुसी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे असैम्बली जड़ी सी उस जो तकरार होंदिया सी तो उस बड़े बड़े महारथी भारत के सके, बड़े बड़े विद्वान लोग होंगे सी, उन्होंने गल न क्योंकि उन्होंने गल पावरफुल सी, इस करके कि वह बरसरे अकदार सी, उन्हों को पावर सी, और वो पावर उन्होंने गल न होर ज़्यादा पावरफुल बनाती सी। इन्नी पावर न कटना और अपनी गल मनानी कोई सौखी जी गल नहीं सी। इस करके विद्या एक ऐसा हथियार है जिदा तुसी क्या अपने दिवारा देख लो असी राजे बनना या
जे तुसी अपने समाज की तरक्की चाहते तो देखो औरतों की तरक्की कितनी हुई है तुहाडे समाज की। मेरे कहने का भाव यह है कि जिहड़ी विद्या है अज 21वीं सदी विच किहो जी होनी चाहिए है, जिहदे जिकर असीं उहनूं पछाणदे नहीं, जिन्हें चिकर उस पछाण के उसके तुरते नहीं और उन्होंने ग्रहण नहीं करते, उन्हें चिकर असी 21st सेंचुरी कामयाब नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब ने विद्या उस जमाने के मुताबिक ली जिहो जी उत्थे समस्या सी और उस समस्या का समाधान करने वास्ते उन्होंने कि सब्जेक्ट की लोड़ सी उन्होंने वो पढ़े जी और बखूबी उस माहरियत हासिल की। पढ़ते ही नहीं सी वो स्पीकर भी सी हाँ जी और राइटर भी सी जी, क्योंकि जेड़ी एजुकेशन दे तीन पड़ा है रीडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग ये बहुत महत्वपूर्ण एक कुंजी है जेड़ी सानू पावरफुल बनाउंदी है जी। मैं एक किताब पढ़ रहा सीगा मेरे सामने इस वेले पई है बिल गेट्स ने लिखी है जी जेड़ा के माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन जी, उन्हें लिखा बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट ये उहदा टाइटल है। उहदे विच उह अजकल के जमाने जिहड़ियां कॉमर्स कारोबार तब्दीलियां जां किद्दां होंदियां उहदे बारे उह छोटी इंग्लिश च मैं थोड़ा जिहा तुहानूं पढ़ के सुणाउंदा अगर माइंड ना करो तां जी। स्पीड ऑफ द थॉट शो यू हाउ ए डिजिटल नर्वस सिस्टम कैन यूनाइट ऑल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस अंडर वन कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलीजिंग रिवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अलाउंग योर कंपनी टू मेक क्वांटम लीप्स इन एफिशिएंसी ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स। उस अगे लिखते हैं यू विल लर्न हाउ इंटेग्रेटेड टेक्नोलॉजी कैन इंस्टेंटली एक्सेस स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन टू एनालाइज पैटर्न एंड ट्रेंड्स। फिर वो अगे लिखते हैं डिक्रीज साइकिल टाइम एंड गेट न्यू प्रोडक्ट्स आउट बिफोर द कंपटीशन डिलीवर अप टू द मिनट सेल्स एंड इन्वेंटरी स्टैटिस्टिक्स ऑन एवरी वन ऑफ योर प्रोडक्ट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड help customers solve their own problems and using intelligent software automatically feed complaints to designers and line workers and much more. I have a simple but strong belief. How you gather, manage and use information will determine whether you win or lose. Yeah. This saransh hai डिजिटल दे बारे हो इस किताब काफी वड्डी किताब है इहदे बारे ओह लिखदा। मेरे कहने दा मतलब जिहड़ी साडे स्टूडेंट्स है या साडे जिहड़े टीचर है क्या ओह एजुकेशन लै रहे इहो जी जिहड़ी कि इंटैग्रेटेड सोल्यूशन जिहड़े हैगे आ और इंटैग्रेटेड इंफॉर्मेशन जिहड़ी आ और सोल्यूशन दा उधार उत्थान कर सकदी जी। इह शायद दुबल जी मेरी नज़र च नहीं आ रहा। हाँ जी यू आर एब्सोल्युटली राइट बट कोशिश करना इंसान का फर्ज है और कोशिश मैं समझा कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जरा एजुकेट उन्होंने मंत्र दिता एजुकेट जी इस लफ्ज ने उन्होंने पहला लिखा जी बी एजुकेट बाद में लिखिया जी ऑर्गेनाइज एजुकेट लेकिन पहला उन्होंने एजुकेट लिखा हूँ एजुकेट जरा एजुकेशन केड़ी बला का ना आया उन्होंने कोई सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया सिर्फ एजुकेशन दे उन्होंने नारा लाया जी। क्योंकि एजुकेशन टाइम के मुताबिक बदलती है उसके मुताबिक सब्जेक्ट्स बदलते हैं उसके मुताबिक नौकरियां बदलदियाँ उसके मुताबिक कारोबार बदलते हैं उसके मुताबिक जी सर्कमस्टांसिस सारी दुनिया चो बदलते हैं और वो सानू प्रभावित करते हैं। जे ये गल सच्ची है तो डेफिनेटली सानू एजुकेशन के सब्जेक्ट वो होने चाहिए है जेडे कि अज साडे काम आने वाले है। 21st सेंचुरी बहुत सारिया तब्दीलियां और बड़ी तेजी ना आने वाली जी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन हैगी जी मैं किताबों पढ़ी है जी। मैं इन्ना विद्वान तो नहीं ना मैं बहुत पढ़े लिखे हाँ पर मैं जरूर कहना कि मैनू दसाया गया कि साढ़े को इस वे 60 PhD है और PhD होना कोई छोटी जी गल नहीं है जी। पर डू दे रियलाइज दैट द नीड ऑफ 21st सेंचुरी व्हाट इट इज एंड हाउ इट कैन बी इंपार्टेड टू द पीपल क्योंकि वो जी उन्होंने PhD है वो थ्योरियां जड़ियां वो
पास टाइम दिए लैके तुरे हुए है। इस करके वो एजुकेशन जब तब्दीली नहीं आ रही, गवर्नमेंट बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन लाती है पर साढ़े दिमाग पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, साढ़े ब्रेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। असी जो साड़ी कम्युनिटी नूं चाहीदा, साढ़े यंग लड़के लड़की नूं चाहीदा जिहड़ा उन्होंने एम्पावर करे कि वह अपनी जिंदगी नूं अच्छा बना सकन, वो एजुकेशन असी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं जिहड़े कि असी नहीं कर रहे। सो कहण दा भाव है कि तुहानूं मैं पंजाब की गल करता, फर्ज करो मैं पंजाब की गल करता, पंजाब से एक किसी डिस्ट्रिक्ट एक छोटा जहा स्कूल खड़ा कर दिया जिते तुसी टीचर ट्रेन करने हैं मॉडर्न टाइम की एजुकेशन के मुताबिक, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एजुकेशन के मुताबिक जिहड़ी कि सानू काम आने वाली है। क्योंकि देखो कंप्यूटर इंटरनेट और आईफोन ये तीन बड़े पावरफुल मीडियम जी, बहुत सारी तब्दीली आ रही है, हर साल तब्दीली आ रही है और जो तो तुम खरीदते तो बहुत पैसे लगते हैं और साढ़े लोगों को पैसे है नहीं। सो इफ वी आर नॉट एबल टू क्रिएट द सोर्सेज ऑफ इनकम वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड। साड़ी विद्या के जेडे केंद्र बिंदु आ पैसा है वो आधारित है, असी अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के काबिल होइए और वो थ्रू असी इनकम क्रिएट करिए जिसना साड़ी फैमिली के खर्चे चलन, और जो भी तब्दीलियां इनकम टैक्स इंटरेस्ट रेट इन्फलेशन रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट के आधार से सानू मार करदियां उहदा असी मुकाबला कर सकिए। दुग्गल जी थैंक यू जी, बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद हरबंस जी, बहुत अच्छे अच्छे तुसीं सुझाव दिते सानू, हमेशा जो तुसीं आने टी वी फोन करते हैं और अपने बहुत ही वधिया विचार देखे जाते हो एजुकेशन बारे और एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए आ वह दस के जाते हो, थोड़ा सी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 14 अप्रैल व्यूअर्स 14th April इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, नॉट ओनली फॉर अस एवरीबडी, होल इंडिया होल वर्ल्ड, क्योंकि एक अजीम शख्सियत जिहड़ी कि एक ग्रेट थिंकर सी, एक ग्रेट स्टेट्समैन सी, एक ग्रेट फिलोसफर, या असीं कह सकदे कि ज्यूरिस्ट, एक बहुत बड़े इकोनमिस्ट ओरेटर, जिस तरह दस के गए कि एक विद्या होनी है और विद्या नूं एक्सप्रैस करना, यानी एक बहुत बड़े ओरेटर सी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट सीगे हो, सोशियोलॉजिस्ट सीगे हो और बहुत बड़े नैशनलिस्ट सी, एक बहुत बड़े डेमोक्रेट सीगे हो और इमेंसिपेटर ऑफ डाउनट्रोडन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, और उन्होंने जो विजन सीगा वो विजन एक इस तरह का भारत का निर्माण सी, एक इस तरह की एक शेप भारत की देखना चाहते थे कि किस तरह का भारत, और उन्होंने अपने जो विजन बनाया सी अपनी काबिलियत के हिसाब न अपनी एजुकेशन के हिसाब के नाल और भारत उदा का बनया। और वुमेन एम्पावरमेंट की जो असं गल करते हैं तो वो सिर्फ पिछड़े वर्ग दियाँ वुमेन नहीं सी, ऑल अगर असी अज के दौर दे विच भी देखते हैं कि अगर शड्यूल कास्ट शड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लासिस एंड वुमेन अगर इन्हों रिजर्वेशन मिलती है, अगर सारे नूं मिला दीए तो टोटल 90% रिजर्वेशन आ, लेकिन कई तकलीफ हो जाती है कि इन्नी रिजर्वेशन जे वो अगर देखा जाए तो हज़ारा ही सालों तो मोर दैन 3000 ईयर्स 90% एक पासे कर दो किन्ने रह गए 10%, 10% 100% रिजर्वेशन मोर दैन 300 ईयर्स मिलती रही है। उस जो एक गैप पै गया उस गैप नूं बराबर करने वास्ते, क्योंकि जो एक रेस किसी ने कंपीटिशन की रेस कंपीटिशन दे आना आ तो जी लाइन आ वो बराबर होनी चाहिए तभी तो कंपीटिशन आ सकता, अगर कोई 200 गज पिछे खड़ा आ और एक 200 गज अगे खड़ा लाइन पर पिछे वाला कभी भी जित नहीं सकता कंपीटिशन। सो उस लाइन पर लिया वास्ते यह बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन सेगा, और उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और डाउन ट्रोडन जो लोग जिन्होंने वंचित रखा गया समाज की मुख्य धारा तो बाहर कढ़े हाशिए तो भी बाहर सुट्टिया गया सी, उन्होंने वापस लियाउण वास्ते एक ऐसे आदर्श समाज जिसनों सतगुरु रविदास महाराज जी बेगमपुरा भी कहिंदे आ, उस बेगमपुरा एक आदर्श समाज नूं दी सिरजना करन वास्ते नवां इतिहास
सिरजन वास्ते या नवा निर्माण करने वास्ते जिहड़ा भारत सीगा उहदे सिरजनहार जां कह सकदे आ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या कह सकदे आ फादर ऑफ इंडियन कंस्टीट्यूशन। सो वह अपने आप दे विच बहुत वड्डी उन्हां दी उपलब्धि सीगे, फिलोसफर सीगे उह, कंस्टीट्यूशन फिर एक बहुत वड्डे वड्डे एजुकेशनिस्ट भी सीगे उह, और उन्हां दी जिहड़ी पढ़ाई जिस तरह उन्हां दा जन्म 14 अप्रैल 1891 सब नूं पता ही है, 1891 मख कंटोनमेंट जो कि मध्य प्रदेश में अच्छा सेंट उस वेले नूं सेंट्रल प्रोविंस कहिंदे सीगे, और इन्हां दे फादर साहब सत्कारयोग जो कि आर्मी दे विच सीगे रामजी सकपाल, ते सत्कारयोग माता जी माता सहत सत्कारयोग ग्रेट 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 ग्रैंड मदर भीमा बाई जी, उन्होंने घर इन्हों का जन्म हुआ। वॉज अ 14th चाइल्ड ऑफ हिज सिबलिंग्स, एंड क्योंकि अगर असं कहने कि अगर पिछड़े वर्ग में पढ़ने का अधिकार नहीं सी, तो बाबा साहब को एडमिशन किदा मिल गई, फिर वो रीज़न सगा क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी के फादर साहब आर्मी के आर्मी ब्रिटिश आर्मी दे विच सीगे, और जो भी इंडियन ब्रिटिश आर्मी दे विच हुंदा सीगा उन्हां दा जिहड़ा हाईएस्ट रैंक हुंदा सीगा उह सूबेदार हुंदा सी, सूबेदार तो उपर नहीं जा सकदा सी इंडियन ओरिजिन। हाँ जिहड़े ब्रिटिश सीगे उह तां कर्नल जनरल सारा कुछ बन जांदे सी, लेकिन इंडियन जिहड़े सीगे चाहे जिन्ने भी मर्जी पढ़े लिखे होण, जिन्नी भी जिन्नी मर्जी काबिलियत होवे, लेकिन वह सूबेदार तो उपर उन्हां दा रैंक नहीं हो सकता सी, और यह रैंक रामजी सकपाल जो कि बाबा साहब के फादर साहब उन्होंने सिगा, और इस करके उन्होंने एडमिशन मिलया। लेकिन स्कूल दे विच जो उन्होंने नाल वितकरा होया, जो डिस्क्रिमिनेशन होया कि पानी नहीं उन्होंने मिलता सीगा, और पानी जिधर पीन नहीं आता सीगा उन्होंने, वो सारा दिन प्यासे रहिंदे सीगे, और इस तरह दिया दो बच्चे होर सी, लेकिन वो इस मुश्किलों नूं सहन नहीं कर पाए, वो दोबारा आए नहीं स्कूल, उन्होंने पढ़ना छड़ दिता। तो बाबा साहब अंबेडकर उन्होंने बचपन दे विच जो देखा कि जो किसी भी महापुरश ने इतिहास रचना हुंदा है ना, उन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पैंदी, और वो पहला ही पता लग जाता है उस व्यक्तित्व, उस व्यक्ति नूं भी पता लग जाता है। जिस तरह असीं हमेशा कहिंदे आ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर, खाक में एक दाना आ, अगर उन्होंने बीजना हो तो उन्होंने मिट्टी में रखना पैंदा, पानी देना पैंदा, और जो वह जमीन चो निकलता है वह दाना जिहड़ा वह अपनी हस्ती खत्म कर दिंदा, उसका वजूद खत्म हो जाता है, लेकिन एक पौधा बन के उस तरह के पता नहीं किन्ने दाने दिंदा वह। सो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो जो महापुरश होंदे आ, जो बचपन दे विच ही होंदे आ, उन्हां नूं पता लग जांदा आ, और दूसरे आवाम नूं भी पता लग जांदा कि ही समथिंग, एक कुछ ना कुछ, क्योंकि पहलां वह व्यक्ति हुंदा, एक साधारण व्यक्ति हुंदा आ, और जदों वह स्ट्रगल करदा आ, एजुकेशन लैंदा आ, और फिर वह समाज दे विच विचरदा आ, फिर वह एक खास व्यक्ति बन जांदा आ, और फिर वह होर ज्ञानवान हुंदा आ, एजुकेशन करदा, और लोगों के भलाई के काम वितकरे तो बिना, आई मीन सारे नूं बराबर, जिस तरह सतगुरु महाराज जी भी कहिंदे ना, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन, छोट बड़े सब संबसे, सब नूं एक नज़र न देखण, रविदास रहे प्रसन्न। सो जो कोई भी प्राणी इस तरह का काम करता है तो फिर वो एक बहुत महान पुरश बन जाता है, जो वो रिटर्न दिता सोसाइटी को, सोसाइटी के जड़िया उन्हें चीज़ा सीखिया होंदिया महान स्ट्रगल करके, वो फिर जो समाज के बंडदा है फिर वह महापुरश बन जाता, वो एक व्यक्ति नहीं रह जाता, वो एक व्यक्तित्व बन जाता जिन्होंने असं कहते ग्रेट परसनैलिटी। बाबा साहब अंबेडकर वॉज द मैनीफेस्टेटर परसनैलिटी, मल्टी डायमेंशनल परसनैलिटी, एक सब्जेक्ट नहीं, अगर कोई PhD कर रहा ओके डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन वॉट सब्जेक्ट, इन दिस सब्जेक्ट हिस्ट्री, ओके नैक्सट पोलिटिकल साइंस, ओके नैक्सट मैथ, बट बाबा साहब अंबेडकर 3 PhDs डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इदा कभी हो सकती है, और इन्नी एजुकेशन जो स्कूल दे विच ही जिस तरह दस रहे कि पानी नहीं मिलता सीगा, और घड़ा रख्या हुंदा सीगा लेकिन वो पानी नहीं पी सकते सीगे, और सिर्फ जिहड़ा पीए ना उही उन्हें पानी
ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇਖੇ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਕੇਐਲ ਚੰਦ ਬੋਲਦਾ ਬੈਂਟਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ 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 ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਆ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਇੰਡੀਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਰਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਚਾਹੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ
किसी दसण की लोड़ नहीं पैंदी कि रोशनी हो गई भी सूरज चढ़ गया, क्योंकि सूरज की जिहड़ी रोशनी हुंदी आ वह अपने आप दे विच इन्नी महान हुंदी आ कि किसी नूं दसण की जरूरत नहीं पैंदी। इस करके बाबा साहब अंबेडकर एक जवाहर रतन कह सकते हैं, जिस तरह साढ़े इंडिया का एक सब तो उच्चा हाईएसट जिहड़ा ऑफिशियल जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड आ उहनूं भारत रतन किया जाता है। सो भारत रतन 1990 दे मिलिया, लेकिन मैं जदों उन्होंने रतन की कोई गल आती है ना तो मैं भारत रतन नहीं बल्कि मैं कहूँगा विश्व रतन, क्योंकि भारत रतन बहुत छोटा उन्होंने वास्ते जे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिता तो ठुकरा नहीं सकते। पोस्टफेमसली उन्होंने मिलया 1990 के, क्योंकि ये अवार्ड इस तरह के होंगे कि कभी भी मिल सकते हैं, इन अगर हयात है वो परसनैलिटी उदों भी मिल सकता है, जो इस दुनिया में नहीं है पोस्टफेमसली कहें उदों भी मिल सकता है, तो उन्होंने 1990 के। सो जो असं उन्होंने स्ट्रगल की गल करते हैं बचपन के ही उन्होंने अपनी मंजिल का पता लग गया कि मेरी मंजिल जी बहुत दूर है, क्योंकि मंजिल को पाने के लिए तूफान और गुबार से गुजर जाना है, जिंदगी एक रास्ता है, रास्ते से कांटों को पत्थरों को और मुश्किलों को हटाना है। राहगिरे में मिलेंगी बहुत सी मुश्किलें, लेकिन ज़मीन पर आसमां को झुकाना है। आएंगे मकाम ना जाने कैसे कैसे, लेकिन ज़मीन पर लेट कर नहीं आग के दरिया से गुजर जाना है। इस तरह की पर्सनैलिटी बाबा साहब अंबेडकर, और 1907 के मैट्रिकुलेशन की, और 1912 उन्होंने एफिल्टन कॉलेज तो उन्होंने और स्कूल के बच्चों पहले मैट्रिक की, उस नाँ का कॉलेज उतो उन्होंने जो बी ए किया, और 1913 गायकवाड़ जो कि उन्होंने उन्होंने एक स्कॉलरशिप दिता अमेरिका पढ़ने वास्ते, वो अमेरिका गए न्यूयॉर्क के जो कि बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है जिन्हों असी कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी उत्थे पढ़ने का उन्होंने एक सौभाग प्राप्त होया 1913 के, और उत्थे जाके उन्होंने जिहड़ी पढ़ाई की है फाइनेंशियल इंडिया, तो उन्होंने एक थीसिस लिखा जिथे उन्होंने पी एच डी किया, और उस तो बाद 1916 के डिविडेंड एक होर थीसिस लिखा, और उस तो बाद इंडिया आ गए, इंडिया तो बाद फिर वह इंग्लैंड आए, इंग्लैंड उन्होंने लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक LSE लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक LSE यानी जिथे साडा हाई कमीशन उहदे मूहरे एक कॉलेज हैगा जिथे बाबा साहब अंबेडकर पढ़े आ, जिथे उन्होंने एक थीसिस लिखा जिहड़ी बाद दे विच एक बुक बनी जिहदा नाम सी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजन एंड इट्स सोल्यूशनस। ये जो उन्होंने लिखा सीगा तो इस तरह का यूनिवर्सिटी दे विच तहलका मच गया सीगा, और उस जो थीसिस नूं बाद दे विच एक बुक की शेप दिती गई है, और बाबा साहब अंबेडकर की लाइफ टाइम जिहड़ी अचीवमेंट्स उन्हें बुक्स जिहड़ियां हैगियां सब तो बेस्ट बुक जिहड़ी गिनी गई है वो दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी गिनी गई है। उस उन्होंने DSC यानी कि डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स की डिग्री मिली, और बारट लॉ किया उन्होंने इंस ग्रे लंडन के, बारट लॉ अपने आप के PhD है डिग्री है, और इनिया डिग्रिया उन्होंने लिया, और वो लैके इंडिया विच आके प्रोफेसर थोड़ी देर रहे, वह जज भी बन सकते सी, लेकिन जो शाहू जी महाराज ने उन्होंने स्कॉलरशिप दिता सी नाल उन्होंने ये कहा जो तुसी वापस आओगे पढ़ के एक साल तुहानू एज सैकटरी ऑफ हिज आर्मी की एक सैकटरी उन्होंने बनना पैना, तो उन्होंने वो किया हो आके, और उस तो बाद जो अपने अगर इनिया डिग्रियां होने तो बाद कोई भी नौकरी ले सकते बड़ी तो बड़ी जज भी बन सकते सके, वह बहुत बड़े एक प्रोफेसर तो बाद एक बहुत बड़ी कह सकते आप प्रिंसीपल भी सिडनम कॉलेज प्रिंसीपल भी रह सकते और कुछ भी कर सकते अपनी लाइफ और अपनी परिवार को बहुत उच्चा चुक सकते सी, लेकिन उन्होंने किहड़ा रास्ता चुनिया, उन्होंने चुनिया कि मैं अगर कुछ है इस वेले तो मैं अपना जो मेरा समाज आ जो कि डाउन ट्रोडन आ जिहड़ा कि जमीन तो भी थले गड्डिया गया आ उन्हां दे विच शक्ति भरां, और उन्होंने एजुकेशन का उन्होंने एक फलसफा दस्या
कि बी एजुकेटेड बी एजुटेटड एंड बी ऑर्गेनाइज बी ऑर्गेनाइज एंड बी एजुटेटड। सो उन्होंने सब तो पहला 1920 दे विच एक अखबार चलाया जिसका नाम सी मूक नायक। मूक नायक की आ ये मराठी का शब्द आ। मूक नायक ना कोई बोल सकता ना कोई सुन सकता, उहदा नायक अखबार मतलब फोर्टनाइटली सी 15 दिन बाद निकलती सी। उहदे विच समाज दीआं समस्यां बारे और क्योंकि उन्हां नूं जो पिछड़ा हुआ वर्ग जिहड़ा है असली तो भारत के रखवाले वह आ। अज असीं टैलीविजन ते डिबेटा देखते हाँ उहनूं कहिंदा तूं कहिंदा इत्थां संस्कृत विच आ लिखिआ इदां सीगा वह इदां सी मुगल आए उन्हां नूं हटा दिओ। इन्नी इन्नी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ कि कोई असली गल जी वो नहीं दसदा कि आर्यनस कितों आए हैं और इस देश के दे, भारत देश के दे मूल निवासी कौन। बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी नहीं पता लगना सगा, लेकिन जो इतने पढ़ आया उन्होंने जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़िया उस क्योंकि जो ब्रिटिशर्स लोग जे यूरोपियनस लोग जो जे हिस्टोरीयन वो किसी न पक्षपात नहीं करे, वो जो हिस्टरी लिखने वो अच्छी हिस्टरी सच्ची हिस्टरी जी विद प्रूफ लिखे। उस लिखा गया कि आर्यन साड़ी हिस्टरी जी 3000 BC तो शुरू होंगी है और 3000 BC कौन सी उत्थे कि कौन सी उस जिस तरह सिंध घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो ये जड़िया एक्सकवेशन जड़िया है ये जो निकलदियाँ हैं उत्थों सानू पता लगता है ये लोग कौन सगे। ये लोग उ जिन्हों अज पिछड़े हुए कि वर्ण व्यवस्था बना के समाज तो बाहर कट के रख दिता सगा आर्यनस लोग आए और 1500 BC ऋग्वेदा आंदा है कि आर्यनस लोग आके अपने ऋग्वेदा का सहारा लैके और ये आके उन्होंने वर्ण व्यवस्था बना दिती कि जिहड़े ब्राह्मण आ वह पहले पायदान ते आ, दूसरे क्षत्रिय आ, तीसरे वैश आ और जो उत्थे दे रहण वाले सीगे वह शूद्र उन्होंने बनाता और उन्होंने कहा तुसी पैर आ। सो ये व्यवस्था जिहड़ी सीगी क्योंकि जिद्दां लॉर्ड एक्टन ने कहा पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, पर जिहड़े जियाले हुंदे आ जिन्होंने क्योंकि जिन्होंने उगना हुंदा ना वह कंध पाड़ के भी उग जांदे आ। बाबा साहब अंबेडकर एक इस तरह की शक्ति आ क्योंकि वो जिहड़ी वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा जिहड़ी बनाई आ उन्होंने कड़ा प्रहार उन्होंने किया और अपनी बुकों के जो उन्होंने जिहड़े लिटरेरी वर्कस आ उन्होंने स्पीचस जिहड़ियां अजकल बुक्स बनिया हुई उन्होंने क्या एक एक वर्ड जिहड़ा आ। जिस तरह हरबंस जी भी दस रहे थे कि वो जो तर्क देंदे सीगे ते ईवन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस दे विच भी जिहड़े ब्रिटिश हाई थिंकर्स फिलोसफर सी उन्हां दे कोल भी जवाब नहीं हुंदा सीगा। इस तरह के वह अपने उन्होंने अचीवमेंट्स इस तरह दीआं सीगियां और पढ़ के जो मूक नायक बनाया अखबार दे राही और वह जिथे जिथे साढ़े जो डाउन रोड लोग रेंदे झुग्गियां दे विच रेंदे सी और उन्होंने जाके कहा सीगा कि अपने झुग्गियां दे विच लिख लो कि कल दे तुसी आने वाले तुसी हुक्मरान होंगे, पर उसका इक्को ही आ कोई तलवार या बंदूक फड़ के नहीं है पेन फड़ के, ते पेन इज द मोस्ट पावरफुल दैन स्वोर्ड और उन्होंने ये नारा दिता और क्रांति लियांदी उन्होंने। और फिर एक 1924 दे विच एक कॉल आई देख लेने। हेलो जैगरदेव जी। हाँ जैगरदेव जी कल जी मैं दोबारा आ रहा माफ कर रहा। हाँ जी हाँ जी दुगल जी, जी। तुसी जेड़ा आज प्रोग्राम देता जी ओ ते जेड़े तुसी अलंकार डॉक्टर जी दे जी नाम दे नाल लाए आ जी बहुत ही प्रभावशाली सीगे जी। इमेंसिपेटर जी, ज्यूरिस्ट, हिस्टोरियन जी, इकोनॉमिस्ट जी, लॉयर या लॉ गिवर व्हाटएवर, ज्यूरिस्ट एज़ वेल। मेरे कहने का मतलब है मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੀ ਮੇਕਸ ਦ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਜੀ। And if the economy of the country is weak or poor, yeah, that country can never be prosperous. Yeah. Hun
इकॉनमी नूं प्रॉस्परस कौन बनाउंदा है? उत्थे दे लोक बनाउंदे आ। और अगर इकॉनमी वीक है तो लोग वीक है, अगर इकॉनमी स्ट्रोंग है तो लोग भी स्ट्रोंग है, प्रॉस्परस है। इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे विच दो सब्जेक्ट साडे वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, एक इंग्लिश और एक मैथ महारियत और एक मैथमेटिक्स महारियत। ये चीज जड़ी आ साइंस ते जड़ा अपने आइंस्टीन सी उन्हें एक इक्वेशन लिखी है ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। सी जड़ा एक लफ्ज है जिहदा मतलब स्पीड है, ओदी स्क्वेयर है, एडिशन नहीं है। एम जड़ा मास है, कोई भी चीज है जिदा वो जदों मैं एक मिसाल देना सी दा, थाउजेंड टाइम्स थाउजेंड इज इक्वल टू व्हाट, थाउजेंड टाइम जमा थाउजेंड इज इक्वल टू 2000 जी, बट थाउजेंड टाइम थाउजेंड इज 1 million। ये फर्क है वो सी स्क्वेयर दा जी, जदों वो टकराउंदी है इन स्पीड दे नाल तां उस च एनर्जी पैदा होंदी जिहड़ा ई जी लैटर है। साडी एनर्जी जिहड़ी पैदा करन वाली चीज है ये दो सब्जेक्ट है। अगर ऐसी दी इसी दी मारी जाए साडे पुल हैगे आ, साडे एयरप्लेन है, साडे रॉकेट्स है जे सानू आसमान तक पहुंचा। इस यूरोपियन कंट्री दे जिहड़े इन्हां दी इक सोसाइटी बनाई है, इन्हां ने एक लॉन्च कीता करन दी कोशिश कर रहे जुपिटर ते जाण दी। सो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन क्रिएट करदा कि उस ओदी हाइट की है, ओदी स्पीड की होनी चाहिए है, ओदा मैटर कितना होना चाहिए, ओदी हीट कितनी होनी चाहिए है, ओदा वेट कितना होना चाहिए, व्हाटएवर। मैं ये गल कहनी चाहुंदा हां कि अगर असी कामयाब होना चाहते हैं जी, तो सानू ये दो सब्जेक्ट की मारिया का होना बहुत जरूरी है। क्यों? इंग्लिश के नाल तुसी एक बहुत वड्डा प्रोफेशन एक्सपायर करते हैं जिहड़ा लॉ आ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਥ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਹਿਤਕਰਨੀ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਚਦੇਵ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਚਦੇਵ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ, ਹੁਣ ਸੁਣਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 132ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਥੀਓ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 132 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਫੋਨਸ,
सब कुछ है जी। पर आज भी हालत देखने वाली ने कि असि कितने खड़े हाँ। सानू उन्होंने दिता सी कि एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, और नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि असि हाले ये समझण दे असमर्थ भी नहीं, मैं समझदा होए कि भी असी ये जान सकी कि साढ़े हक हकूक की है, राइट एंड रिस्पोंसिबिलिटीज नू किवें डील करना। वो एक जगह कहंदे ने कि इट कुड बी यूअर इंटरेस्ट टू बी अवर मास्टर, हाउ कुड इट बी अवर टू बी यूअर स्लेव। असी मतलब जिहड़ी सानू यह पछाणन की लोड़ है कि उस तों की उन्हां दा सुपना पूरा किदां होऊगा, असीं कित्थे स्टॉक आ, यह चीजा समझनिया बहुत जरूरी है। जे असी समय के हाण दे नहीं होंगे ते ओ असी समझ नहीं सकते। ओ एक तो 25-30 साल पहला ही समय नू आज दे रेलेवेंस विच पूरी तरह समझ दे सके बिल्कुल। आज मिलियां चीजा नू भी सामभण तो असमर्थ है। संविधान खोया जा रहा है, लोकां दी एजुकेशन खोई जा रही है जी, जी। और भी 21वीं सदी विच ते असी इस करके ही आ कि जिन्ना चिर तक आपां समय दे हाणी नहीं होंदे, असी गल्लां नू कौन मित्र है कौन दुश्मन है इहनू पछाणन च समझ नहीं रखते। साडे नाल लोकां नाल इह हाल होना तुसीं देख रहे हो, किन्ने क परसेंट है जिहड़े साडे वांग फैसिलिटीज जां चीजां नू देख सकते आ लै सकते आ। मतलब साइंस दीआं गल्लां करके जिहड़े साइंस दे विरुद्ध ने लोकी उह साइंस दे काबज होए बैठे ने जी। ते साडे सानू इह जानण दी लोड़ है बई असी साडे बच्चिआं नू साडे लोकां नू कदों मतलब ये जिहड़े हक हकूक सही तौर ते सारिआं नू मिलने चाहीदे आ। जे आपां रिजर्वेशन दी भी गल करदे आ उहदी लोड़ है, मगर जे सारीआं जॉबां सारिआं लई होण तां रिजर्वेशन दी लोड़ नहीं रहूगी। इह तां डॉक्टर साहिब ने आप भी कहा सी क्योंकि इंप्लीमेंटेशन राइट नहीं होई जी, इस करके ही प्रॉब्लम है। क्योंकि हाकम जिहड़े हैगे उह वंडण च रुझे होए ने, भई गोरिआं नू ब्लेम करदे आ भई डिवाइड एंड रूल, ते आप की कर रहे ने जी, है ना। जब तक असी कह लाइसे समय के हानि नहीं बनते साढ़े लिए मुश्किल है भी असी मतलब जिहड़ा है इंडिया की प्रोग्रेस की गल करते हैं, आपां मतलब होर साइंस की गल करते हैं, असी घर तो लै के देखिए कि असी किन्ना साइंस के लागे हाँ, किन्नियां असी पार्टियां से फंक्शनां से गल्लां करते हैं कि साइंस की होंदी आ, साडे घरां ते किवें प्रभाव है, साडे जीवन से किवें प्रभाव है, किवें डिवेलप होना है, कदी इदां दी गल ते सुणदे नहीं। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਆਹ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਆ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ RBI ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੂਪੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਇੱਕ ਇੱਥੇ MPC ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਫੜੀ ਸੀ, ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੂਪੀ ਇਟਸ ਓਰੀਜਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਦਹਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1930 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੁਨੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1942 ਤੋਂ 1946 ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਇਸਰਾਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲੇਬਰ ਐਜ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ 1946 ਵਿੱਚ ਕੰਸਟੀਚੂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਉਹ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 208 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜੋ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਐਟ ਦੀ ਲਾਸਟ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 12 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੂ ਵਰ ਸ਼ੂਦਰਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀਹੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਥੋਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਰਿਡਲਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਲੇਕਿਨ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਨ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ